सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी और वो जो फाइट सीन्स थे उसमें ना रोबोट कैमरा बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया क्या लगा? 5 out of 5 मतलब जो सूर्या का कैरेक्टर जो विलन लास्ट में दिखा कैसी लगी फिल्म? ये एक नंबर KGF और पुष्पा ये मूवी देखने के बाद जो मेरे को मूवी लगी यही बेस्ट थी। अच्छा मतलब मजा आया फिल्म में, बढ़िया है, बेस्ट है मूवी। और सर कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म? ज्यादा नहीं है आई हम कैसी लगी? अच्छी थी। कैसा लगा एक्शन? अच्छा था, मजा आया। थैंक यू सर। कैसी लगी फिल्म? बढ़िया है सर। कैसी लगी फिल्म? बढ़िया ही अच्छी। कैसा लगा एक्शन? ठीक है, मारदार, बढ़िया, ऐसा कुछ नकली तो नहीं लगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ, मजा आया। हां सर कैसी लगी फिल्म? अच्छी है, बढ़िया, मजा आया। सर कैसी लगी फिल्म? मैम कैसी लगी फिल्म? मैम कैसी लगी फिल्म? सर कैसी लगी फिल्म? सर कैसी लगी फिल्म? बेटा कैसी लगी फिल्म? व्हाट अबाउट एक्शन? जैसे एक्शन अच्छा था, मजा आया फिल्म में, बोर तो नहीं हुआ? नहीं। सर कैसी लगी फिल्म? बढ़िया बढ़िया थी। फिल्म कहीं बोर तो नहीं करती? एक्शन भी थी, बिल्कुल। सर कैसी लगी फिल्म? सर बेहतरीन मूवी है, सभी को देखना चाहिए। कैसी लगी फिल्म? बहुत मस्त। कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। विक्रम सारी इंटरवेल हो गया, इंटरवेल तक मजा आया मूवी? हाँ। कैसे लगा कमल हसन? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ में सबसे कमल हसन जो अभी कमल हसन अच्छा लगे। सर कैसी लगी? हम लोग सेम विजय सेतुपति के कारण आए। वही मेरे को अच्छा लगा, उनकी हर एक मूवी में देखता हूँ, अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। इसके अलावा जो फहाद है फिल्म में रोल कैसा लगा? उनका भी अच्छा था, बट विजय सेतुपति के कारण मैं आया हूँ। उनका ज्यादा, उनके आगे कोई नहीं है। बंक मार के आया भाई सर, कौन अच्छा लगा? अच्छा वही लगे, और उनका जो बाद में सस्पेंस था मूवी में, जो इंटरवल के पहले अभी बहुत बढ़िया था वो, मतलब पता नहीं कि वो डेड हो गए थे, उसके बाद एकदम सस्पेंस निकला मूवी में, बहुत होगी बिल्कुल। वैसे बहुत को जानकारी नहीं है, जैसे अभी और चल रही है मूवी तो वो भी देख रहे हैं। इस वजह Top 10 kitne star? 9. कैसा लगा फर्स्ट हाफ? बहुत अच्छा लगा। अभी पकड़ो उसको, पकड़ो। क्या अच्छा लगा अभी तक? एक्शन अच्छा लगा, थ्रिलर अच्छा लगा? थ्रिलर, फहद फासिल। सबसे अच्छा कौन लगा? फहद, विजय सेतुपति? विजय सेतुपति ऑब्वियसली। आउट ऑफ 10 अब तक कितने स्टार देंगे फर्स्ट हाफ को? When you breathe easy, stay happy. Presenting air purifier bahut badhiya from Vijay Vijay Thalapathy Sethupathy, sorry. और उसके बावजूद भी अच्छे लगे। हम कैसी लगी फिल्म? मजा आया फिल्म में? मजा आया, अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी। सर ऐसा मजा, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसी लगी फिल्म? बहुत शानदार। कैसी लगी फिल्म? शानदार। कैसे लगे कमल हसन? बहुत अच्छी एक्टिंग की सबने, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा फिल्म में? एक्शन, बाकी चीजें, एक्शन और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा? वो भी बहुत शानदार, डायरेक्शन बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू।
सर कैसी लगी फिल्म? 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 नहीं, मैं साउथ इंडियन इतना नहीं देखती, बट मेरे हस्बैंड आई थी पर मजा ऐसा तो नहीं कि उनका चक्कर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉप 10 एंड दूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म। अच्छी थी मूवी, सभी का काम अच्छा लगा। पूरी फिल्म कैसी लगी? पूरी फिल्म में बीजीएम भी एक नंबर था, मतलब बोर नहीं करा मूवी ने, 2.5 घंटे की थी पर बोर नहीं करा। थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि थोड़ी छोटी हो जाती तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता, बाकी ओवरऑल बढ़िया। 10 में से कितने स्टार? मैं तो 10 में से 10 स्टार दूंगा, और लास्ट में जो केमियो हुआ ना सूर्या का, तो मज़ा ही, हाँ एक नंबर मज़ा आ गया। मतलब फिल्म मतलब देखने लायक है, बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब सस्पेंस भी है, मिस्टीरियस भी है। बात करूं कमल हसन सर के अलावा, तो कमल हसन सर के अलावा जो एक इम्पैक्ट डालते हैं अपने रोल में वो है विजय सेतुपति, जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। इसके अलावा बात करूं फहाद की, तो फहाद का रोल भी अल्टीमेट है। जो कहूँ कि हर कलाकार को सोच समझ कर रोल दिया गया। फहाद की बात करूं तो फहाद ने इस फिल्म में भी कमाल किया। इसके अलावा इनकी लास्ट जो फिल्म आई थी पुष्पा फिल्म, उसमें भी इनका छोटा रोल था लेकिन तगड़ा था। पुष्पा 2 में इनका बड़ा रोल होगा, लेकिन पुष्पा 2 में देखना होगा कि इनका रोल कितना इम्पैक्ट डालता है। बट अभी विक्रम में इनकी बात करूँ तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया दिखा है। बात करूँ विजय सेतुपति की, तो फिल्म में दोस्तों विजय सेतुपति विलन है, बट एक जो अल्टीमेट लेवल का विलन होता है ना, वो बिल्कुल डिप्टो लग रहे हैं और वो काफ़ी देखने में अच्छे और बढ़िया लग रहे हैं। बात करूँ कमल हसन सर की, तो कमल हसन सर ने तो अपने रोल में बिल्कुल सारी चीज़ें, मिर्च मसाला ये वो सब चीज़ें कूट कर डाल दी है, जिसमें देखने में बहुत मज़ा आता है, जिसका तड़का लगने के बाद एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है थिएटर में। दोस्तों बात करूँ फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड, या फिर यूँ कहूँ कि फिल्म ने सभी लैंग्वेजेस मिलाकर कितना कलेक्शन कर लिया है, तो दोस्तों फिल्म अभी लगभग 250 करोड़ के क्लब में आ चुकी है, जो कि बीस्ट से और अनाथे फिल्म से काफ़ी आगे है। फिल्म ऑलरेडी दोस्तों ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और होना भी क्यों ना था, क्योंकि अगर इतनी बेहतरीन फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होगी तो फिर क्या ही ब्लॉकबस्टर होगा। बात करूँ फिल्म, जैसा मैंने बताया कि 250 करोड़ के आसपास आ चुकी है। फिल्म का बजट जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था दोस्तों, फिल्म का बजट 100 करोड़ के आसपास था और फिल्म 250 करोड़ बजट में आ चुकी है, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत डिसेंट कलेक्शन है, और फिल्म ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। फिल्म का और भी कलेक्शन आगे जारी रहेगा। और बात करूँ इसके कंपटीशन में, जो फिल्में रिलीज हुई इसके कंपटीशन में दोस्तों, पृथ्वीराज रिलीज हुई, मेजर रिलीज हुई, और इसी हफ्ते जो रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है दोस्तों जुरासिक वर्ल्ड। बट बता दूँ इन फिल्मों का वीडियो में, इन फिल्मों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अभी के लिए चलता हूँ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।